सोलापूर शहरातील भवानीपेठ येथील धुमावस्ती येथे दोन गटात तुफान मारहाण झाल्याची घटना घडलेली आहे। याबाबत मिळालेली अधिक माहिती अशी की यासीन दौला शेख वय वर्ष 30 राहणार भवानीपेठ धुमावस्ती सोलापूर यास आकाश देवकुते व इतर 7 ते 8 जणांनी मिळून लोखंडी सळई व दगडाने मारहाण केल्याची घटना आज सकाळच्या सुमारास घडलेली आहे। या प्रकरणी सोलापुरातील सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये संबंधित घटनेची नोंद करण्यात आली आहे। किरकोळ वादातून दोन समाजामध्ये भांडण झाल्याची माहिती मिळत आहे। सदरचे प्रकार सिव्हिल हॉस्पिटल येथील नोंदवहीमध्ये असल्याप्रमाणे संबंधित आकाश देवकुती व त्याच्या इतर साथीदारांनी मिळून जोरजोरात गाड्याचे आवाज करत तेथे राहणाऱ्या रहिवाशांना त्रास होईल अशी दहशत माजवण्याचा प्रयत्न करत तुम्हाला खोट्या केसेसमध्ये अडकवू अशी धमकी देऊन जबर मारहाण केली आहे। या प्रकरणी संबंधित जखमीच्या नातेवाईकांनी प्राईम महाराष्ट्र न्यूज चॅनलशी बोलताना अधिक माहिती दिली आहे। पहा, इमरान इलाही शेख, मैं धुमावस्ती में रहता, वो मेरा भैया है हबीब शेख, उसको बार बार टॉर्चर कर को जानबूझ को झगड़े करते हैं और उसको कंटिन्यू मारने का, अभी देखो उसके ऊपर जान लेव हमला हुआ है। अगर उसको क्या हुआ तो कौन जिम्मेदार हो? उसके देखो घर वाले, बच्चे को, बच्चे की व्यक्ति फोड़े, हमारी भाभी कोमा में गए इतना बेकार मारे से, और ये इन्हों करते नहीं, इनको करने लगा थे हमारे गली के लोग, और इतना है बार बार घर पास ही नको जो बच्चे ना खेलते ऐसा स्पीड गाड़ा लेके जाते कि जैसा उनका घर का रोड है, ये तेरे बाप का रोड है कि उल्टा उसको मारने थे। अभी एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार हमले कर रहे हैं उसके ऊपर। ये झगड़ा कैसी वजह से हुआ? क्या भी मतलब नहीं साहब, बच्ची बाहर खेल रही थी, वो छोकरा गाड़ी लेकर जा रहा था, तो उसको क्या बोला हमारा भाई, अरे गाड़ी हल्लू लेकर जा, तो वो हल्लू लेकर जा कैसा बोला बोलकर पीछे से उनको सोप लेकर जान लेवा हमला करे उसको। होता है 15-20 जन आकर मारे। क्या नाम थे उनके? वो देखो गोटा देवकोड़े, नाटक देवकोड़े, सब देवकोड़े परिवार से हो। कैसे मारे? यार राड़ा भीड़ सब हाथ लकड़ा पाटला पड़े सिर में। इससे पहला क्या झगड़े वगैरह कुछ हुए थे क्या? होते सर, उसको टॉर्चर बार बार उसको टारगेट कर रहे। किस वजह से? क्या पैसे? क्या भी मतलब नहीं, क्या भी नहीं है। उन नमाजी है, 5 टाइम नमाज पढ़ता, वो कैसा तू बोले तो ये छोकरन भी नहीं है करने वाले सामने, उनको करने लगा रहे दूसरे समाज के, तुम्हें उनकी हिम्मत नहीं है करने के, तो जा रही है ऐसा करो करके मारने लगा रहे उसको बार बार। तुम इसके बारे में पुलिस में तकरार वगैरह कर रहे थे? करे सर, सब जरा हमारे को न्याय मिलना, जरा इतना जरा ये करो सर। सामने रुक को छोड़ने से सब रुक को कालवा करते, हमें बैठे हुए तो चाकू बैठते, हमें जरा रुकना नहीं गली में, कालवा गिलवा करते, मेरे अब्बा के साथ दुश्मनी करो सर, क्या भी जरा हुआ तो। और एक औरत को देखो, सब आदमी हम इनको मेरी अम्मी को मारे सोए, मेरी अम्मी बेहोश नीचे गिरी सोए तो भी उनको मारे सोए, तब बेहोश गिरे सो औरत को भी मार देते, और मेरा गले में कभी छिना को लिया, उन्हें छिली सो गले में कभी ली, और क्या दीदी ने, और इधर हम ना बच्चन दा को तक भी मारे, छोरा हमारा, हम ना हमारे अब्बा हम ना समझा रहे तो भी उन्हों आप हम ना मारे, और उसे कभी ना कभी मारी कर कोई। हाँ, और प्लानिंग भी चल रही थी उनकी पहले से, कि पहले से हमारे अब्बा को मारने का करके उनका था पहले से, और हमारे अब्बा 5 टाइम नमाज पढ़ते करके उनका चल रहा है, फजर में अब्बा नमाज के वास्ते और तब अदना को उठाने जाते, तो उनको लगता कि ऐसा क्या हमारी हमारी प्लानिंग चलती है, हमें फजर में उठो क्या करते, ऐसा कुछ भी नहीं है, खाली हमें इंसाफ मिलना। नमाज के अत्याचार कर रहे मुस्लिम के, 2-4 घर आए वहाँ, उनके ऊपर इना कर रहे, अन्याय कर रहे वहाँ पर। कौन कर रहे अन्याय? दूसरे वो आप भी झगड़े कर रहे तुम, उसके कर रहे हो, मुस्लिम निकल के जाना वाशी। ताजा बातम्या पाहण्यासाठी प्राइम महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा।